आशा की सूरज से आशाओं का सवेरा लाई है। वो क्यों ना हो सफल खुद जिसके संग शारदा माई है। अज्ञान के बंजर धरती को सींचने आई किरण हथियारों को जीतने। बाबुल के सारे सपने उसने कर लिए है अपने। खेतों खलिहानों के लिए मजदूर किसानों के लिए तैयार है ये देने को हर परीक्षा। जब से हमारे गांव में शिक्षा आई है ना, तब से तो लोगों में अशिक्षा का प्रसाद बांट रही है। अब यही ना एक दिन तुझे अकल का पाठ पढ़ाएगी। ये नंद की बेटी शिक्षा, ये जो सारे गांव में मेरे खिलाफ प्रचार कर रही है ना। एक मिनट अम्बेद, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, वो जो गांव वालों को पढ़ा लिखा रही है वो तो उनके भले के लिए है ना, तेरे खिलाफ तो नहीं। अरे कागज बेटा चीख चीख कर कह रहा है कि जितना रुपया आज तक उससे लिया उससे ज्यादा ब्याज के साथ हमने उन्हें लौटा दिया है। अरे बेटा ऐसे क्या देख रही है? देख रही हूँ कि मेरे बाबू को उसकी बेटी की पढ़ाई लिखाई कितनी महंगी पड़ गई। ऐसी बात कभी मत सोच, ये बात तो दिमाग से निकाल दे। बेटा तुझे तो बस ये सोचना है कि ये जो तूने शिक्षा का अनमोल धन प्राप्त किया है, इस खजाने को तू कैसे दूसरों पे खर्च करेगी, कैसे इस गांव का उद्धार करेगी, कैसे मेरे सपनों को पूरा करेगी जो मैंने जागती आंखों से देखी। करूंगी, जरूर पूरा करूंगी, आपकी आंखों से देखा हुआ हर एक सपना मैं पूरा करूंगी। आपने जो भी सोचा है वो सब कुछ सच हो। आपकी बेटी शिक्षा आपका हर एक सपना पूरा करेगा, जरूर पूरा करेगा। सरकार, सरपंच जी ने तो अपना फैसला सुना दिया और कह दिया नंद को अपने कागज पत्र दिखाने को। अरे तू भी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं घनपत। सरपंच जी ने का कही का ना कही इससे कोई फर्क ना पड़े। अरे ये बेचारे सीधे साधे भोले भाले अनपढ़ गांव वाले, आज तक कभी हिसाब रखे हैं? तो आप रखेंगे। भूल करना है सरकार, जो भूल कर कि नंद अनपढ़ है। अरे वो शिक्षा का बाप है बाप। और फिर सरकार ये बात भी तो सच है कि जो भी रुपया नंद ने लौटाया इसकी पक्की रसीद दी है मैंने, वो भी दस्तखत और अंगूठे के छापे के साथ। रसीदे अंगूठे के निशान, ये तू क्या कह रहा है गणपत? सरकार सरकार जबान, अरे कभी कभी फिसल जाती है सरकार। मेरा मतलब तो कहने का ये था सरकार कि वो रसीदें कहीं गलती से बात को दे तो नहीं।
ये गणपत मुझसे धोखा कर रहा है क्या? कहीं ऐसा तो ना कि गांव वालों के संग ये गणपत भी बदलाव की लहर में शामिल हो गया है। सरकार ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो सरकार? नाना घूर कर ना देख रहा, सोच रहे हूं कि अब समय आ गया है हमें भी अपने कागज पत्तर देखने का। उमेश सिंह को भी तो पता चले कि कहीं उसकी उम्मीदों पर पानी तो ना फिर गए। चल गणपत निकाल अपने कागज पत्तर बही खाते सब कुछ निकाल निकाल निकाल। तूने सुनी गणपत? जी सरकार। दाल में कछु ना कछु काला तो है। चल भाई गणपत जरा तेरी नब्ज भी टटोलनी ही पड़ेगी अब तो। जे कागज जे सब अम्मा ने अब तक छुपा कर रखे, इन कागजों में तो मेरे पिताजी का सारा हिसाब किताब है। इसका मतलब जे मेरे पिताजी भी कछु ना कछु पढ़े लिखे जरूर थे, पर मेरी माँ ने मुझसे जे बातें छिपाई। पर क्यों, क्या बात रही होगी और ऐसा क्या हुआ होगा मेरे पिताजी के संग जो आज भी मेरी माँ हर समय डरती रहे हैं? क्या बात है कि उमेश सिंह का नाम आते ही वो बात बदलने की कोशिश करे हैं? कछु तो है और मुझे ये सब पता लगाना ही होगा क्योंकि मेरी अम्मा मुझे कभी ये सब बताने से रही। अरे जेका, ये कागज पत्र कहाँ से उठा लाए? कहाँ देख रही है बस पे? अरे बोलना, कागज पत्र में का खोज रही है जिसमें दीमक लगे हैं? अम्मा ये दीमक इन कागजों में ना लगी है, इन कागजों की वजह से दीमक हमारे घर में लगी है और वही दीमक मेरे पिताजी को खा गई। चुप कर उर्मी, मुझे तो लगे तेरा दिमाग खराब हो गया उस शिक्षा के कारण। अम्मा तुम्हारे हाथ जोड़ू हूँ मैं, शिक्षा दीदी को कुछ मत बोलो। अरे वो तो गांव आई है हमारी भलाई के लिए, इतना भी बुरा मत बोलो अम्मा। और देखना अब जो भी होगा सब अच्छा होगा। नंद काका ने अपने हिसाब किताब के सारे कागज संभाल के रखे, हमें एक नई सोच दी है और देख लेना यही दीमक लगी कागज हमें भी न्याय दिलाएंगे, देख लेना अम्मा। बाबू अब मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ उसके लिए हमें दोबारा सोचने की कोई जरूरत नहीं, अब यही एक रास्ता बचा है हम लोगों के पास। लेकिन बेटा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं बाबू, आपने अपनी समझदारी का परिचय दिया, आपने जो रुपयों के लेन देन का हिसाब रखा है ना उसी के बलबूते पर हमें न्याय मिलेगा और आप मुझ पर विश्वास कीजिए अब हमारे पास यही रास्ता है। तू जिस रास्ते पे चल रही है ना बेटा वही सच्चा और सही रास्ता है। और पता है उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि देख लेना शिक्षा न्याय लेकर ही रहेगी। जे देख उन्होंने तेरे लिए जे भेजा है, जे आशीर्वाद। शिक्षा के सूरज से आशाओं का सवेरा लाई है, वो क्यों ना हो सफल खुद जिसके। अरे अब बताएगी भी उन्होंने लिखा क्या है? काकी, काका ने लिखा है कि हमारी शिक्षा जरूर सफल होगी।
हमारे गांव का उद्धार होकर रहेगी। और भोले भाले गांव वासियों को उमेश सिंह के चंगुल से बचा कर। बेटा, तेरे काका फालिज की वजह से चल फिर ना सके हैं। हो सके तो उनसे भी एक बार मिल लीजिए। ये भी कोई कहने की बात है काकी, मैं जरूर जाऊंगी उनसे मिलने, उनका आशीर्वाद लेने। जीती रहे बेटा, ऐसी बनी रहे, नेक और ईमानदार। अब मुंह में मिश्री घोल के छोरी को क्या समझा रहे, सीधे सीधे कहीं नहीं कह देते, कचहरी बचहरी के चक्कर छोड़ो, ये हमारे गांव की रीत ना है। भाई, माना कि ब्याज दिया, पर मूल मूल का क्या है? क्या हुआ रे गणपत, मिल ना रहे तेरे बही खाते? देख ठीक से देख, वो कागज पत्तर तूने कहाँ रखे हैं? तो कागज पत्तर मिलने बहुत जरूरी है, तुझे याद है तूने कहाँ रखे थे और रखे हैं भी या नहीं? कहीं ऐसा तो ना है कि शिक्षा से प्रेरणा लेकर उन कागजों को तूने कहीं काकाई सरकार, कि मैंने भाई खाते कागज पत्र गायब कर दिए? बास सरकार बास, अरे इतने सालों की वफादारी पर शक किया तुमने? हमने कभी धूप छाव दिन रात ना देखी, वो तुम्हारी सेवा करते रहे सरकार, अरे अच्छे बुरे में साथ दिया हमेशा। बास सरकार बास। पर अपना सरकार अपना, मैं चला अपने घर। ए गणपत, ऐसी कछु बात ना है रे, असल में मैं भी बहुत डरा हुआ हूं कि वो शिक्षा कहीं कचेरी ना पहुंचे। बस और कोई बात ना है। समझू सरकार, समझू। देखो शिक्षा बेटी, नंद ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मैंने उसका पूरा साथ दिया, फिर तुम पढ़ लिख कर आई, मुझे भी उतनी खुशी हुई जितनी नंद। मगर बेटा, नंद के बापू, अब मुंह में मिश्री घोल के छोरी को क्या समझा रहे, सीधे सीधे कहीं नहीं कह देते, कचहरी बचहरी के चक्कर छोड़ो, ये हमारे गांव की रीत ना है। अम्मा जी, आप ठीक कहो, पर ये जो उमेद सिंह कर रहा है वो ठीक है का? देखो बहू, हम भी बरसों से इसी गांव में रहे हैं और एक नहीं पचासों परेशानियां झेली। अम्मा तुम बिल्कुल सही कह रही, उस समय ना तो जे उमेश सिंह और ना ही बिस्की जे मनमान,
देखो भाई, मैं एक बात कहना चाहूं, नंद बेटा तुमको भी और शिक्षा बेटी तुम, हम जिस समाज में रहें उस समाज के अपने कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। इसलिए कुछ भी करने से पहले सरपंच जी से मिलो। हो सकता है कचहरी जाना ही ना पड़े, लेकिन पिताजी। बाबू, हम दादाजी की बात के ऊपर नहीं जाएंगे। हम गांव के नियमों के अनुसार ही चलेंगे। दादाजी, हम सरपंच जी के पास जाएंगे, उनसे सारी बातचीत करेंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी उमेश सिंह ने आपकी बात नहीं मानी तो आप सब मुझे रोकिएगा ना। दादाजी, हमारी ये जमीन सिर्फ जमीन नहीं है, हमारे पूर्वजों का खून पसीना बहा है इस पर। अपनी जमीनों को इन सूदखोरों से छुड़वाना हम सबका पहला फर्ज है, हर एक किसान का पहला फर्ज है। मेरी कृषि की पढ़ाई और नई तकनीकों से हमारे खेत सोना उगलेंगे, सोना। आप विश्वास कीजिए, हर जगह बस खुशहाली खुशहाली होगी। सुनी है कि सरपंच जी का फैसला होगा नंद और तेरी सरकार का। अरे कछु कह रहा हूं तुझसे, सुन रहा है? अच्छा एक बात बता, तुझे नहीं लगता कि ये उम्मेद सिंह कछु हद से ज्यादा उड़ रहे हो? कहीं ऐसा न हो कि गांव वालन की किच्ची में फंस जाए। यार, मिर्ची बहुत डाल दी तुमने साग में। मिर्ची? अबे मिर्ची तो तेरे साहूकार है लग रही होगी, अब आयो ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे यार, झगड़ा बिन दोनों का है? मेरी काय कुत्ता घसीटी कर रहा है। कचौड़ी खान दे यार आराम से। राम जी भली करें। ला, एक और दो। ले, ले। सरपंच जी, ये कागजात सिर्फ वो नहीं है जिसमें मेरे बाबूजी ने उधार लिया था, बल्कि इसमें सारे कागजात, सारी रसीदें हैं जो मेरे बाबूजी ने ब्याज के तौर पर चुकाया भी है, और इन कागजात पर इस मुनीम के दस्तखत भी हैं। सरपंच जी, जो छोरी बिल्कुल सही कह रही है, इन रसीदों में साफ साफ लिखा है जितना रुपया मैंने इनसे उधार लिया और उससे कहीं ज्यादा मैंने ब्याज के रूप में इनको लौटा दिया, और मेरी मेहनत मजदूरी का कहा जो मैंने खेतों में की। अरे कहा दिया इन लोगों ने मुझे मुट्ठी भर अनाज? अरे जे दिया बा उमेश सिंह ने मुझको। बिल्कुल सही बात सरपंच जी, जे छोरी शिक्षा और जे जिसके बाप ने एकदम सही बात कही, पर मैं भी तो सही कहूं हूं। भाई
इतना की ब्याज दिया, पर मूल मूल का क्या है? पर सरकार मैं भी तो इसी बात की रट लगाए हूं, रस्सी बटू हूं। अरे भैया मूल रकम वापिस कर दो और जमीन छुड़वा लो। मैं तो एक बात कहूंगा आपसे सरपंच, कि मैं खेतों के कागज आपको दे दू, जब ये रुपया दे दें कागज दे दो। देख भाई नंद, मुझे मजबूरी में उमेश सिंह का फैसला सुनाना पड़ रहा है। सरकार मेरे मालिक भी तो यही चाहे इनसे। और जो इतना ब्याज मेरे बाबू दे चुके हैं उसका क्या? अरे शिक्षा बिटिया, इतनी दूर से पढ़ाई लिखाई करके आई, पर ये भी ना मालूम कि मूल मूल होवे है। सरपंच जी, जो मैं मूल की रकम छोड़ने लग जाऊं तो मेरे मालिक के धंधे का क्या होगा? मैं तो एक बात कहूंगा आपसे सरपंच जी, कि मैं खेतों के कागज आपको दे दूं, जब ये रुपया दे दें कागज दे दो। गलत कही मैंने? राम जी भली करें। देख भाई गुंटा गुरु, ये कागज तो यही कहे हैं कि रकम तो बनती हो मेरे सिंह की। क्यों भाई नंद, अब तू क्या कहे हो? मैं इना सुनना क्या है सरपंच जी, जो ये नंद कुमार रुपया देना ही ना चाहे है? कोई क्या कर लेगा? देख नंद भैया और शिक्षा बिटिया, अब हम लोग जाके अलावा कछु ना कर सके हैं। एक भाई नंद, तराजू में पड़ा तो उमेश सिंह का भारी है, अगर तुझे अपनी बात रखनी है तो एक बार तहसीलदार साहब से मिल लो। अरे तहसीलदार से मिल लो या किसी और से भी, जीत तो सच्चाई की हो गए सर का है? और एक बात और साफ कर दूं मैं, कि मेरे मालिक ने सराफत दिखाकर, अरे जे सोचकर जे अपनी छोरी को पढ़ा लिखा रहा है, इसे खेतों में काम दिया सरकार। जे सोचकर कि चलो दो वक्त की रोटी का आसरा हो जाए बेचारे का, पर अब जब जे और जे इसकी पढ़ी लिखी छोरी शिक्षा, अब मेरे ही मालिक की इज्जत उछालने जहां तक आ गई सरकार, तो आप तो एक काम करो, अपने मुंह से मेरे मालिक का फैसला सुना दो। अब मेरे मालिक जो है ना, अपने मुंह से इनका नाम लेकर इस नंद कुमार को और इज्जत ना देना चाहे सरकार। हाँ जी भली कर। देख भाई नंद, मुझे मजबूरी में उमेश सिंह का फैसला सुनाना पड़ रहा है, वो ये चाहे कि तू जब तक उसका पैसा नहीं देगा वो अपने खेतों में तुझे घुसने नहीं देगा। जे बात। देख भाई, वो तो शहर गया है, उसकी बातों से
मुझे अपना मुंह झूठा करना पड़ रहा है। देख भाई नंद, अब इस मामले में अगर कोई तेरी मदद कर सकता है वो तहसीलदार साहब ही कुछ कर सकते हैं। गई तसल्ली उमेद सिंह से बिगाड़ के हैं? अरे चार पैसे का जो आसरा था वो भी गया, अब मनाओ खुशी, शिक्षा आ गई है, बदलाव लाएगी। अरे इस छोरी की भ्रष्ट बुद्धि की वजह से पता नहीं अब का दिन देखने पड़ेंगे।